हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, यह टॉपिक के बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके बच्चे के लिए, सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने छोटे बेबीज़ को जब वह थोड़े बड़े हो जाते हैं बॉटल से दूध पिलाते हैं। किसी भी तरह की कांच की या प्लास्टिक की हम बॉटल का इस्तेमाल करते हैं, और हम एक बार बॉटल उसके लिए लेके हम एक बार लेते समय तो कुछ ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं कि इस बॉटल की एक्सपायरी डेट भी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि जो बच्चों की बॉटल होती है उसके साथ साथ जो उसका निप्पल होता है उसके एक निश्चित समय के बाद उसका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगी जो अगर आपको उस बॉटल में, बच्चे की जो बेबी बॉटल है उसमें नज़र आए, तो उसी समय आप बॉटल का इस्तेमाल बंद कर दें और बच्चे को नई बॉटल ला कर दें। फ्रेंड, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनकी माँ को वैसे तो यह कई बार फिक्र लगती है कि इस बॉटल को बदलने का सही वक्त क्या है, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से वह इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अगर किसी बॉटल को ज़रूरत से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही उसका असर आपके बच्चे की सेहत पे पड़ेगा। फ्रेंड, मेरा बेटा भी जब छोटा था तब मैं भी अक्सर उसकी बॉटल मैंने काफ़ी चेंज की है। साथ ही साथ बॉटल से ज़्यादा निप्पल बदलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बॉटल से निप्पल की जो एज होती है यानी निप्पल का जो यूज पीरियड होता है वह कम होता है। यह क्या पीरियड है यह मैं आपको बताती हूँ। इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हर जो बॉटल है उसको आपको 4 से 6 महीने में बदलना पड़ेगा। अगर आप बॉटल लेते समय आपने यह देखा है कि वह BPA फ्री बॉटल है, तो फिर आप ध्यान रखें कि हर 6 महीने के बाद आपको इसको डिस्पोज कर देना है। और अगर आपने BPA फ्री बॉटल देख कर नहीं ली है और वह non-BPA फ्री बॉटल है, तो 6 महीने नहीं बल्कि आपको 3 महीने के बाद ही उस बॉटल को बदल देना होगा। यह बहुत ज़्यादा आपके बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर बॉटल में आपके बच्चे की कोई क्रैक आ जाए, कोई लीक करे, तो आप प्लीज़ उसे तुरंत बदल दें। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बॉटल कलर चेंज कर लेती है यानी बदरंगी सी हो जाती है। फ्रेंड्स, यह भी बॉटल बिल्कुल भी सही नहीं है, उस समय आप तुरंत बॉटल को बदल दीजिए। और अगर आप कांच की बॉटल ले रहे हैं यानी ग्लास बॉटल आप ले रहे हैं, तो इस्तेमाल करने से पहले, बच्चे को उसको दूध पिलाने से पहले, आप उसकी प्लीज़ बारीकी से एक बार जांच जरूर कर लें। फ्रेंड्स, ये तो थी बॉटल की बातें। अब बात आती है निप्पल पे, क्योंकि निप्पल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निप्पल बच्चा डायरेक्टली अपने मुँह में लेकर दूध से दूध सक करता है, इसलिए इसको बदलना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, दूध की बॉटल के कंपेरिजन में निप्पल को बदलना जल्दी चाहिए, यह उससे जल्दी एक्सपायर हो जाता है। यानी कि अगर आप एक बार निप्पल लेंगे तो उसको केवल 2 महीने के बाद ही आप बदल दीजिए। 2 महीने तक ही आप एक निप्पल अपने बच्चे के लिए यूज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर निप्पल का कलर चेंज हो रहा है तो आप तुरंत उसको बदलिए, या फिर बच्चे के लिए अगर छोटा बेबी है और उसका छेद बड़ा हो गया है तो प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। नहीं तो दूध पीते पीते आपके बच्चे के गले में ज़्यादा दूध फंस सकता है और उसको तकलीफ़ हो सकती है। साथ ही अगर निप्पल बॉटल में फिट नहीं हो रही है तो भी उसको चेंज ज़रूर कीजिए। और बहुत ज़्यादा एक निप्पल का अगर आपका बच्चा यूज़ करता है यानी कि दिन रात वह उसको लेकर अपने साथ रखता है या मुंह में रखता है, तो 2 महीने से पहले भी आप उसको चेंज कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो फ्रेंड्स थी बातें कि बॉटल चेंज करनी है, निप्पल चेंज करनी है। वैसे सबसे बेहतर यही होता है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा जल्दी से जल्दी बॉटल छुड़ा दें, यानी कि उसको बॉटल की आप ना आदत डालें तो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बच्चा कुछ भी खाना सीख जाए तो उस समय उसको आप दूध की बॉटल देना बंद कर दीजिए, इसकी बजाय आप सिपर दें या फिर फीडिंग कप दें, या फिर अगर वह नहीं ले रहा है तो आप स्पून की मदद से भी उसको दूध दें। अगर दूध की बॉटल की आदत एक बार बच्चे को पड़ जाती है तो इस आदत को छिड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चा दूध से बॉटल से दूध नहीं पी रहा है तो आप ज़बरदस्ती ना करें, आप कप या चम्मच का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि बॉटल की आदत अगर आप एक बार बच्चे को डाल देंगे तो उसको छुड़ाने में भी बच्चा आपके
नाकों तले चने चबवा देगा, क्योंकि बॉटल बच्चे बहुत मुश्किल से पूछते छोड़ते हैं। फ्रेंड, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरा बेटा दूध का बहुत ज़्यादा शौकीन है और उसकी उसके लिए उसकी बॉटल कितनी प्रिय थी यह उसको भी पता है, और मुझे तो उससे ज़्यादा पता है, और मुझे कितनी मुश्किल हुई है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आपका बच्चा जल्दी से जल्दी बॉटल से दूध पीना छोड़ दे तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर अभी आपका बेबी छोटा है और वह बॉटल लेता है तो प्लीज़ इन सावधानियों का आप ज़रूर ध्यान रखें, ताकि बॉटल की वजह से आपके बच्चे की सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वह बीमार ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर आप फिर भी इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वह अपने बच्चों का ध्यान रख सकें। और अगर आपने मेरी ये वीडियो आज पहली बार देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।